दोस्तों अगर आपको भी हो रहा है मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रॉब्लम तो आप डॉटनेट के व्हाट्सअप नंबर 8400400400 पे किसी भी क्वेश्चन का फोटो खींचो और व्हाट्सअप करो 8400400400 पे। दोस्तों यहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के किसी भी कठिन से कठिन सवालों का जवाब सिर्फ 10 सेकंड में पा सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम लेके आए हैं VBI ऑब्जेक्टिव फॉर मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए मैथ का पार्ट वन ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम लोग करीब 40 क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में, जो आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यह वीडियो अभी हम लोग इस PDF को बना ही रहे थे, तो ऐसा ही आपको प्रत्येक विषय का चैप्टर वाइज चैप्टर आपके लिए PDF बनाया जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो आपको मिल सके और वीडियो के साथ साथ आपको PDF भी प्रदान होता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे पहला क्वेश्चन है कि समकोण कितना डिग्री का होता है। आप सभी स्टूडेंट को जानते होंगे कि हमारा वीडियो सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है वह उसका जवाब आप सभी स्टूडेंट को देना पड़ता है। तो दोस्तों समकोण कितना डिग्री का होता है, पहला क्वेश्चन है ए में 90 डिग्री, बी में 60 डिग्री और सी में 75 डिग्री और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर लिख दीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किसी सिक्के को उछालने पर चीत आने की प्रायिकता क्या होगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता में बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपसे बता दें, यहाँ पर दिया गया है एक सिक्के को उछालने पर चीत और आने की प्रायिकता क्या होगी। मान लेते हम अगर सिक्के को उछालेंगे तो क्या चीत आएगा या पट आएगा, यानी हेड आएगा और टेल आएगा, तो कुल कितने परिणाम आएंगे, 2 आएंगे। आपसे पूछा जा रहा है चीत आने की प्रायिकता, चीत कितने आ सकते हैं, 1 आ सकते हैं। तो आपका अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या होते हैं प्रायिकता का फॉर्मूला, तो अनुकूल हो जाएंगे 1 और कुल कितना आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा वह होगा 1/2, जो कि आपका ऑप्शन ए में मौजूद है 1/2। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दो संख्याओं का मसा 25 है, लसा 50 है, तो गुणनफल क्या होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मसा 25 है और लसा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। आपको कह रहा है कि दोनों को गुणनफल क्या होगा, तो आप सिंपली 25 में 50 से गुना कर दीजिएगा और 25 में 50 से आप गुना करते हैं तो आपका आता है 1225, जो कि आपका ऑप्शन ए में मौजूद है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात कितना होता है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों 3, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 6 और चौथा ऑप्शन है डी। आपसे बता दें कि जब आप 625 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 5 मरते लगाते हैं तो ये होते हैं 125, फिर 5 मरते लगाते हैं तो ये 25 होते हैं, फिर 5 मरते लगाते हैं तो 5 होते हैं, यानी जो 5 का घात आता है वह आता है 4, यानी 5 का 4 बार गुना किया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 4 का बिल्कुल सही जवाब होगा वह होगा आपका ऑप्शन डी, यानी 4। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य है, यानी जो भाज्य ना हो। तो पहला ऑप्शन दोस्तों 15, 23, 12 और 75। तो आपसे बता दें 15 भी भाज है और 12 भी भाज है और डी में 75 है वो भी भाज है, लेकिन वहीं पे आपका ऑप्शन बी की बात करें जो 23 है वह एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद में चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। तो दिया गया है द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो आपसे बता दें कि द्विघात जैसे ही पूछा गया तो द्वि के मतलब तो 2 होता है, यानी जो इसका घात होगा वो 2 होगा, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, तो दिया गया त्रिघात बहुपद में घातों की संख्या क्या होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं त्रिघात, त्रि का मतलब कितने होते हैं, 3 होते हैं, यानी जो त्रिघात बहुपद में जो घातों की संख्या होगी वह होगा आपका ऑप्शन सी, यानी 3 होगा। ठीक है, उसके बाद में चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2, 6, 10, 14 ... का कौन सा पद विराशी है। ठीक है, तो इस पर मैं ये समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP का ये क्वेश्चन लिया जा चुका है, तो इस पर मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके इसी तरीके से 4 पार्ट बनाए हैं समांतर श्रेणी का। अगर आप चारों पार्ट देख लेते हैं तो समांतर श्रेणी का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बन पाए। तो इसका दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन तो यहाँ पर स्क्रीन पर संभव नहीं है, आप इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर आता है आपका ऑप्शन डी, यानी 22।
उसके बाद में अगली क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो आपसे बता दें, ये बोला गया है कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको अनगिनत लिखना है, यानी अनंत। उसके बाद में अगर उसी टाइप पे अगर दूसरा क्वेश्चन, अगर जो 10 में आप देख पा रहे हैं कि किसी बाहरी बिंदु पर वृत्त पर कितनी स्पर्शिका खींची जा सकती है, तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि एक वृत्त है, अब बाहरी बिंदु जिसे मान लेते हैं हम ए मानते हैं, तो बाहरी बिंदु से अगर वृत्त पर हम स्पर्शिका खींचेंगे तो कितनी खींचा जा रहा है, 2 खींचा जा रहा है। तो अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शिका खींची जा सकती है, तो वहाँ पर आप आंसर 2 लिखिएगा। और वहीं एग्जाम में रहेगा कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्शिका खींची जा सकती है, तो वहाँ पर आपका आंसर अनंत हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी में मौजूद है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा, यानी 2। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लीजिए, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल बिंदु का नियामक होता है, ठीक है, तो मूल बिंदु का नियामक कितना होता है। पहला ऑप्शन दोस्तों 0 0, ऑप्शन बी में 1.0, बी सी में दिया गया है 2.5, और डी में इनमें से कोई। तो आपसे बता दें जो मूल बिंदु का नियामक होता है वह 0 0 होता है, और मूल बिंदु का जो निर्देशांक अगर इस पे क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है मूल बिंदु से दूरी बराबर x² + y²। दोस्तों अगर नियामक ज्यामिति का हमारा पार्ट नहीं देखे होंगे तो नियामक ज्यामिति और त्रिकोणमिति का भी हम 5-5 पार्ट अपलोड चैनल पे कर चुके हैं। चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके आप मैट्रिक का प्रत्येक विषय का चैप्टर वाइज चैप्टर सॉल्यूशन किया गया है, आप सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 12 देख पा रहे होंगे कि दिया गया है कि बिंदु 1.5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आपसे बता दें कि मैं एक पाई चार्ट इस तरीके से आपको एक आलेख बना के आप सभी स्टूडेंट को समझाए थे। तो दोस्तों जब हम नियामक ज्यामिति का सॉल्यूशन किए थे वहाँ पे मैं आप सभी स्टूडेंट को एक बिंदु कार्तीय तल बना के आप सभी को समझा चुके थे कि अगर कोई भी बिंदु में अगर प्लस प्लस लगा हो तो ये आपका पहला कोऑर्डिनेट यानी पहला निर्देशांक में होता है, और कोई भी बिंदु में पहले माइनस लगा है बाद में प्लस तो ये दूसरा चतुर्थांश या दूसरे पाद में स्थित होता है। अगर दोनों में माइनस माइनस लगा है तो ये आपका तीसरे चतुर्थांश में होते हैं, अगर पहले हो बाद में माइनस तो ये आपका चौथे चतुर्थांश में होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें, बिंदु दिया गया है 1.5 जो कि दोनों प्लस में है, तो जब दोनों में प्लस में होता है तो वो आपका पहला चतुर्थांश में होता है, जो कि आपका ऑप्शन ए में मौजूद है। उसकी बाद में बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो दिया गया है बिंदु -2.-5 किस पाद में स्थित है। तो अभी हम लोग इसी का बात कर रहे थे कि दोनों में माइनस लगा हो तो ये कौन चतुर्थांश होता है, तृतीय, और दोनों में प्लस हो तो ये आपका प्रथम होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं -2 और -5 ये दोनों में माइनस लगा हुआ है, तो इसीलिए आपका जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा वह होगा तृतीय पद। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 को आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों बोला जा रहा है कि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि अगर त्रिज्या पूछ दे दिया गया है और क्षेत्रफल पूछता है तो आपको जो भी त्रिज्या का अनुपात दिया गया होगा उसका स्क्वायर कर देना है। जैसे कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर 2 × 4 हो जाते हैं, अनुपात का अनुपात 3 के स्क्वायर 3 × 9 हो जाते हैं, तो 4:9 जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर यहाँ पे त्रिज्या की जगह पे अगर क्षेत्रफल दे दिया जाता और त्रिज्या पूछा जाता तो इसमें आपको रूट लगा देना होता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी प्रश्न को समझ पा रहे होंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का कि त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना डिग्री होता है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों 22/7, बी में दिया गया 180 डिग्री, सी में 90 डिग्री, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपसे बता दें कि त्रिकोणमिति के अलावा जितना भी आप मैथ पढ़े होंगे उसमें पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन त्रिकोणमिति की बात करें तो पाई का मान जो होता है वह 180 डिग्री होता है। तो इस तरीके से दोस्तों इस वीडियो में हम आप सभी स्टूडेंट को बतला चुके हैं 1 से लेकर 15 तक का VBI मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों ये 15 ही केवल क्वेश्चन हम क्यों लाए हैं, इसका कारण है दोस्तों कि बात यह है कि अब PDF बनाना तो इतना आसान काम नहीं है, लैपटॉप में PDF टाइप करने में बहुत ज़्यादा समय लगती है, फिर मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए PDF बना रहा हूँ तो इसमें थोड़ा समय लग रही है। तो PDF के ही जानकारी देने के लिए इस वीडियो को बनाया है ताकि सभी आप स्टूडेंट को मालूम चल सके कि आपके लिए PDF तैयार किया जा रहा है जो आपके मैट्रिक एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट करेगा ये सब PDF आपके लिए। तो दोस्तों
जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सभी विषय का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ आपको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में। यह चैनल आपको मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई प्रश्न के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नेक्स्ट का आने वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा, वो काफ़ी ही आपको वीडियो इम्पोर्टेंट होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप अगले वीडियो की इंतजार में रहेंगे। दोस्तों वीडियो के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।